एन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। एक बड़ी घटना जनपद बाराबंकी में हुई, लोगों को स्तब्ध कर दिया इस घटना ने। 60 से 70 लोग इस बस में सवार थे, दिल्ली से बहराइच की ओर जा रही थी बस। वहीं उसी समय एक तेज गति से आते ट्रक ने सीधी टक्कर बस को मार दी, जिसके चलते 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए हमारी ये जनपद बाराबंकी से खास रिपोर्ट। आज जो है अर्ली मॉर्निंग घटना बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें कि एक दिल्ली से बहराइच से प्राइवेट बस जा रही थी, उसका और एक ट्रक का जो सामने से आ रही थी उसके बीच में झड़प हुई, जिसमें अब तक 9 लोगों की दुखद मृत्यु की हो चुकी है और लगभग 27 लोग घायल हैं, जिसमें से कि जितने भी हमारे सीरियस लोग थे उन सबको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है और कुछ को यहाँ पे प्राथमिक उपचार उनका किया जा रहा है, और उसके बाद प्राथमिक उपचार होने के बाद उनको गंतव्य स्थल तक हम लोग पहुँचा देंगे। उसी समय से हमारी टीमें पुलिस प्रशासन की लगी हुई हैं और पूरी प्रयास कर रही हैं कि किया था कि जो भी कैजुअलिटीज थी उनको एक्सीडेंट साइट पर जो लाया जाए, जो भी इंजर्ड थे उनको समझ लगाया जाए। अभी अभी मुझे ये भी निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से कि जितने भी जिन लोगों की भी दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है और जो भी घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। क्या घटना के पीछे कुछ कारण निकल के आया है क्या? तो हमारा पूरा फोकस पुलिस प्रशासन सबका ये है कि जो घटना में जो भी लोग घायल हैं उनको हम उपचार कर सकें, इसके उपरांत ही जो है बाकी सारी बातें जो है निकल कर आएंगी। फिलहाल हमारा फोकस पूरा इस समय इसी पर है। सर, कहा जा रहा आवारा जानवर आने के लिए? अभी मैंने जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरी जितनी सूचना है कि बस जो जा रही थी उसके सामने ट्रक आई थी, उनके बीच में भिड़ंत हुई थी, बाकी सारी चीज़ें जो है बाद में हम लोग। उस मामले में फिलहाल जो घायल हुए हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक एम प्रसाद ने लोगों का हालचाल जाना है, मुख्यमंत्री ने भी इसे गंभीरता से लिया है। फिलहाल लोगों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, दोनों वाहनों की टक्कर हुई है। फिलहाल क्या मामला है ये जाँच के बाद सामने आएगा।